सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर हो रहा है दोनों चीज तो जल्दी से यस लिख दो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जल्दी से लिख दो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलो बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर वन संख्या पद्धति को। हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है। अभी हम जो रिवाइज कर रहे हैं, अब हम क्या क्या देखेंगे, किसी भी भिन्न को हम कैसे दशमलव में बदलते हैं और कैसे हम दो दशमलव को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने पिछली क्लास में बेटा देखा था कि आप कैसे भिन्नों को गुना भाग कर सकते हो और गुना कर सकते हो। अगर मैं रूल्स की बात कहूं उससे पहले, तो मेरी क्लास के सभी बच्चों को रूल्स बहुत अच्छे से पता है और आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो, उसके लिए बच्चा थैंक यू। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो उसके लिए थैंक यू बच्चा। और जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो आप क्या करोगे, तीन डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेजेस में जाओगे, लिख दोगे अपने डाउट। जब भी बेटा मैं पोल में आंसर की बात करती हूँ ना, तो मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है, तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज पे जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी सही लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, तो पोल्स में आंसर मेरे हर एक बच्चे को करना है। उसका रीजन है कि आप जब पोल में आंसर करते हो ना, तो मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। सही होगा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और गलत होगा बेटा तो और अच्छी बात है, उससे क्या होगा कि आपको गलती पता लगेगी और आगे नहीं गलत करोगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपके पास मान लीजिए दो भिन्न है, दो तीन बटे पांच, और इसको भाग करना है दो बटे सात से। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाला जो नंबर है इसका बेटा व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा करके लिखना, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो मेरे पास तीन बटा पांच है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सात बटा दो, है ना, और भाग की जगह पे हम गुना का निशान लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अंश की गुना अंश से कर देंगे और हर की गुना हर से कर देंगे। वेरी सिंपल, मुझे पता है ये अंश है और ये हर है, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। सो सात तिया 21 होता है और पांच दुनी 10 होता है, तो 21 बटा 10 हमारा आंसर हो गया। इससे पहले हम देख लेते हैं बेटा, अंश और हर में कुछ कट रहा होता है ना, तो हम उसे काट लेते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया 21 बटा 10। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, चलो बताओ जरा। ये सब पिछला हमने जो पढ़ा था पिछले क्लास में वही है, मुझे इससे क्वेश्चन पूछना है आपको, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। किसी को डाउट हो तो बेटा क्लियरली बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे मुझे, पोल में आंसर देना। और इसका क्वेश्चन है बेटा, पांच बटे तीन, इसको भाग करना है तीन बटे दो से। ठीक है, क्या आएगा, चलो पहले कॉपी में कर लेना, नोटबुक में करना, उसके बाद पोल में करना। ठीक है, पहले नोटबुक में करना, फिर पोल में करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पांच बटे तीन को भाग करना है तीन बटे दो से। ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करिए। तीन और दो का तीन बटे दो का आप व्युत्क्रम करो, उल्टा करके लिखो, गुना का साइन लगाओ, फिर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे बेटा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी मत करो, डन, वेरी गुड मैम, गलत ऑप्शन टिक हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, अगर पेपर में हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से करो, कोई बात नहीं, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां पर आंसर कर देना। ठीक है, बट आगे के लिए सभी बच्चे ध्यान रखो, करने से पहले ना ऑप्शन ढूंढ लिया करो। ठीक है, ठीक है, अमिता की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अभी तो आप चैट में कर देना, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में गलत हो जाएगा तो ठीक नहीं कर पाओगे। वेरी गुड, मुझे सबका आंसर चाहिए, मेरे अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं।
वेरी गुड, 5/3 है, इसको भाग करना है 3/2 से, तो हम क्या करते हैं सेकंड वाले का व्युत्क्रम करते हैं, गुना का निशान लगा देते हैं और अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, लेकिन अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो हम पहले काट लेते हैं। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, आराम से पहले कॉपी में करो और फिर पोल में, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, तो देखो 5/2 और हम क्या करेंगे सेकंड वाले का, दूसरे वाले का व्युत्क्रम करेंगे, कितना होगा 2/3। भाग की जगह गुना का निशान। अब क्या अंश में और हर में कुछ कट रहा है, अंश और हर में नहीं, कुछ नहीं कट सकता, तो मैं क्या करूंगी 5 की गुना 2 से कर दूंगी 10 आएगा और 3 की गुना 3 से कर दूंगी 9 आ जाएगा, राइट। तो कितना आ गया 10/9। डी ऑप्शन मेरे मैक्सिमम बच्चों ने किया है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल बेटा सिंपल सा है, आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको 2 को भाग करना है, मतलब 2 भिन्नों को भाग करना है, तो दूसरे वाले भिन्न को व्युत्क्रम कर दो सिंपल, और फिर गुना का निशान लगा दो, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बार देख लेते हैं कि भिन्न से दशमलव, मतलब फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। कि मान लो बेटा मेरे पास एक भिन्न है, ठीक है, मेरे पास एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है, 1/2 है, मुझे इस भिन्न को मान लो दशमलव में लिखना है। क्या करना है हमें, इसे दशमलव में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं भाग करूंगी, ठीक है। और भाग कब तक करते हैं बेटे बच्चे, तब तक जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए, कब तक करते हैं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे 2 है, 2 से भाग करना है 1 को, लेकिन 2 तो 1 से, 1 तो 2 से छोटा है, कभी भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर लगाऊंगी दशमलव, ठीक है, और यहां लगाऊंगी 0। क्या 10 2 के पहाड़े में आता है, आता है, कब आता है, 5 पे, तो मैं यहां लिखूंगी 5 और यहाँ लिखूंगी 10, 0 आ गया शेषफल। तो इतना ही सॉल्व करना था, और आपको पता है 0.5 यानी कि 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5। अगर दशमलव से पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। गुड इवनिंग बेटा, बट आप लेट हो, अगली क्लास से ध्यान रखो, टाइम से ज्वाइन हो सभी बच्चे, राइट। तो हम इसको जब भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो बेटा मुझे कितना मिलेगा, 0.5। क्या इतनी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि अगर मेरे पास एक भिन्न है, भिन्न संख्या गिवन है, तो उसे अगर मैं दशमलव में बदल रही हूं तो क्या होगा। अगर मैं किसी भिन्न को दशमलव में बदल रही हूं तो हम कैसे बदलेंगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर मान लो बेटा मेरे पास है 1/4, बेटा प्लीज एक बार ही यस लिखो क्योंकि इससे स्क्रीन फ्रीज हो जाती है बहुत बच्चों की ना। 1/4 है, आपने समझा दो, ठीक है, 1/4 है, इस भिन्न को आपको दशमलव में बदलना है। चलो बताओ जरा सभी बच्चे, सभी बच्चे संजय की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार आप चेक करो आपके फोन की आवाज ठीक आ रही है ना, मतलब फोन की आवाज तेज है ना, क्योंकि मैं तो बहुत तेज बोल रही हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रही है ना, तो एक बार लीव करके ज्वाइन करना, धीमे धीमे आ रही है तो। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा बच्चों 4 और मैंने यहाँ लिखा 1, 4 के पहाड़े में 1 तो कभी भी नहीं आएगा, छोटा है, तो मैंने ऊपर लगाया दशमलव और यहाँ लगा दिया 0। अब 4 के पहाड़े में 10 या 10 से छोटा आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मैंने यहाँ 2 लिखा और 8 लिख दिया।
माइनस किया दो आ गया, और हम सॉल्व कहां तक करते हैं बेटा, हल कहां तक करते हैं, जब तक शून्य ना आ जाए शेषफल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर लगा दिया जीरो, ठीक है। अभी यहां पर मैंने देखा पांच आएगा और यहां पर बीस, तो घटाया कितना आ गया, शेषफल जीरो। सॉल्व कब तक करते हैं, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। तो 0.25 आपका आंसर आया। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को, वर्षा की आईडी से बेटा क्लियर हुआ। तब तक हम सॉल्व करते हैं जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, जीरो जीरो लगाते जाते हैं और आगे सॉल्व करते जाते हैं। रूही की आईडी से जो बच्चे बेटा मल्टीपल जीरो लगाया है उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप आगे कितनी सारी जीरो लगा दो, पीछे कितनी सारी जीरो लगा दो, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगर इतना समझ आ गया सभी को, तो अगर मेरे पास 8/5 है, इस बिन को दशमलव में बदल के बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, इस बिन को दशमलव में बताओ जरा, सब अपना अपना आंसर लिखना, फिर मैं तो बताऊंगी बेटा। ठीक है, देख लेते हैं, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं यही आंसर है या नहीं। हमने यहाँ लिखा बेटा पांच और यहाँ लिखा आठ, पांच के पहाड़े में आठ आता है, नहीं आता, लेकिन पांच एकम पांच होता है। माइनस किया तीन आ गया, अब आगे तो सॉल्व करना है, ये तो शेषफल हो गया। आप यहाँ लगाओगे दशमलव और यहाँ लिखोगे जीरो, पांच एक 30 होता है, तो यहाँ से शेषफल जीरो आ गया। जब तक सॉल्व करना होता है, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, तो 1.6 आपका क्या हुआ बच्चा, आंसर हुआ। कि अगर आप 8/5 को भिन्न को दशमलव में बदलोगे तो आपको 1/6 मिलेगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 1/10। अब यहाँ बात आ जाती है थोड़ा इंटरेस्टिंग सी। देखो मान लो बेटा मेरे पास 1/10 हो, 1/100 हो या 1/1000 हो, ठीक है, जब भी हर की जगह पे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब कहने का क्या है, नीचे आपके पास ना जीरो हो। अब जितनी जीरो नीचे होती है ना, ऊपर उतने अंकों से पहले जीरो लग जाती है, दशमलव लग जाता है। मतलब जैसे मैं पहले की बात करूं, नीचे जीरो कितने है, एक, तो यहाँ पर एक अंक से आदमी इधर से दाई तरफ से एक अंक से पहले जीरो लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 1.01 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखू 1/100, तो नीचे कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, यानी कि ऊपर दो अंकों से पहले, तो एक और एक अंक में जीरो ले लेती हूँ, ठीक है, 1.0 हो गया, 0.01। मतलब इधर से आप दो अंक देखोगे तो एक अंक तो है ही, ऊपर तो एक ही अंक है, तो आपने एक जीरो भी ले लिया, उसके बाद दशमलव लगा दिया। ऐसे ही मान लो मेरे पास तीन है, तो आप क्या करोगे, एक लगाओगे और दो जीरो लगा दोगे, तीन अंक होने चाहिए, मतलब तीन दशमलव के बाद ना तीन अंक होने चाहिए, 1, 2, 3। इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ 35/10, तो आप क्या करोगे, पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे एक अंक के बाद, ठीक है, तो 3.5। मान लो मैं लिख रही हूँ 35/100, तो यहाँ क्या कह रहा है, नीचे दो जीरो है ना, यानी कि दो जीरो से पहले, दो अंक से पहले, तो 0.35 है ना। और अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 35/1000, तो बेटा कितना नीचे कितने जीरो है, तीन, तो तीन अंक के पहले होना चाहिए, तो मेरे पास तो दो ही अंक है, तो मैं एक जीरो लगा दूंगी और एक दशमलव, तो 0.035। क्या इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है कि नीचे जैसे जीरो होती है ऊपर कैसे चेंज होगा? यस मैम। वेरी गुड, सभी बच्चों को जल्दी से बता दो। क्या बेटा, क्या बोल गए आप, वापिस समझा दो एक बार। अच्छा, पहले आपको ये बताया कि अगर आपके पास ऐसा हो 1/10, तो नीचे जितनी जीरो होती है ना, ऊपर उतने अंक से पहले ना जीरो लग जाता है, मतलब दशमलव लग जाता है। जैसे 1/10 है, तो आप क्या करो, नीचे एक जीरो है ना, तो ऊपर एक से पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। नीचे 1/100 है, तो मतलब दो जीरो से पहले, तो लेकिन ऊपर तो मेरे पास एक ही है, तो मैं एक जीरो भी लगा दूंगी, तो दो अंक हो गए, अब उनसे पहले ही दशमलव लगा दिया मैंने, ठीक है। अगर 1/1000 है, तो मैं क्या करूंगी, एक जीरो एक लिख के दो जीरो लगा के दशमलव लगा दूंगी। ये तो तब बताया जब ऊपर बेटा एक ही अंक हो।
अगर मान लो यहीं पे मेरे पास अंक आ जाए, डिजिट आ जाए, संख्याएं आ जाए 25/10, तो मैं दशमलव में कैसे लिखूंगी? बेटा गुड इवनिंग तो ठीक है, बट आप लेट हो, ठीक है? तो नेक्स्ट पहले हमें पता नहीं था ना, ना ही हमने 9 अगस्त को की थी ज्वाइन, इसलिए अच्छा ठीक है। तो नीचे कितने जीरो है? एक जीरो है, तो मतलब एक अंक से पहले, पांच से इधर से एक अंक से पहले दशमलव लगा दिया, यानी कि 2.5। हम क्या करवा सकते हैं? बेटा क्या कह रहे हो आप? एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन समझा दो फिर सुन लेती हूँ आपकी बात, ठीक है? 25/100 है, नीचे कितना है 25, ऊपर कितना है 25, नीचे कितना 100, तो नीचे कितने बेटा 2 जीरो हो गई ना, तो मैं 2 अंकों से पहले यहाँ पर दशमलव लगा दूंगी, तो 0.5, ठीक है? ऐसे मेरे पास 25/1000 है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी 3 अंकों से पहले लगा दूंगी, ठीक है? अब मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? यस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। तो चलो सभी बच्चे फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चैट के अंदर, और सॉरी पोल के अंदर, ठीक है? क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है? 1/4, ठीक है? अगर आप इसको दशमलव में लिखोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है और पोल में जाके बेटा आंसर करना है, ठीक है? चलिए यस, अब बताओ बेटा क्या कह रहे थे आप? रामपाल सैनी की आईडी से, यस बेटा क्या कह रहे थे आप? मैम ऐसे कह रहे थे, क्या आप क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हो जो आपने पहले करवाया था? बेटा पहले करवाया था वो तो मैं अब दोबारा नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैम ज्वाइन हुए थे तब करवा रहे थे जो। कौन सा बेटा? जो हम ज्वाइन हुए थे तब करवा रहे थे। अच्छा, जो ज्वाइन हुई थी वो कराते, ठीक है? तो आप ऐसा करो क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ और बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए सभी ध्यान रखो, टाइम से क्लास में ज्वाइन किया करो, ठीक है? ओके मैम। यस, 1/4 का दशमलव में लिखिए, ठीक है? पहले कॉपी में कर लो आप लोग, कॉपी में करने के बाद ऑप्शंस में से देखो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, और फिर पोल में आंसर कर दो। और मुझे आंसर मेरी हर एक बच्चे का चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, 1/4 को आप दशमलव में लिख रही है, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं। यस बेटा, सोनू कुमार की आईडी से कुछ कहना है क्या बच्चे? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मेरी अभी भी काफी बच्चियां रुकी हुई हैं, बेटा सभी बच्चे करोगे आंसर, मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वो आंसर कीजिए। 1/4 है, इसे आपको दशमलव में लिखना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये बच्चों, 5 सेकेंड और, ठीक है? 5/4/3/2/1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे। और सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने किया भी था अगर याद हो तो, 4 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखा, 4 के पहाड़े में 1 तो कभी भी नहीं आता, तो मैंने ऊपर लगाया दशमलव, है ना? और यहाँ लगाया 0, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता लेकिन 2 पे 8 आता है, तो मैंने यहाँ 8 लिखा, यहाँ से लिखा 2, 0, 4 × 5 = 20, है ना? तो शेषफल आ गया आपके पास 0, जब तक सॉल्व करते जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तो 0.25, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट।
करेक्ट है। तो मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। बेटा करते हुए बस थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे से बेटा ध्यान रखो कि आप आंसर इसका क्या आएगा। बी मैम। हाँ जी, डी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दो मेरे पास है बेटा। 1/100, ठीक है? इसको आप अगर डेसिमल में यानी कि दशमलव में लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है? ऑप्शन बेटा सबने देख लिए हैं, सॉल्व करो और पोल के अंदर जाके आंसर कर दो। ऐसे कोई नहीं बताएगा, सबको पता है, ठीक है? पोल में आंसर करोगे। 1/100 है, इसको अगर आप दशमलव में लिखोगे तो क्या आएगा? ध्यान से बेटा, ध्यान से। 1 है, आपको पता है जितनी नीचे जीरो होती है उतने अंक से पहले जीरो लगती है ना? उससे उतने अंक से पहले दशमलव लगता है, और वो भी दाई तरफ से। ध्यान से, ध्यान से, 2 जीरो है नीचे। मैम गलत हो गई बेटा, ऐसे पेपर में भी गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ध्यान से करो। चलिए अभी मैं पोल और चैट ऑन करूंगी, तब चैट में लिख देना, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो आप लोग सिलेक्ट जो करते हो ऑप्शन सही सिलेक्ट किया करो, ठीक है? ओके। चलिए 1/100 है, इसको आपको दशमलव में लिखना है बच्चों। वेरी गुड, अभी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। मैं 5 सेकंड दे देती हूँ, ठीक है? 5 सेकंड और 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चा ऑन। देखो सिंपल सा था। अच्छा, रामपाल की आईडी से जो बच्चा बेटा आप जो पूछ रहे थे ना कि मैम रिपीट कर दो, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है? जिसके लिए मैं बोल रही थी 5 मिनट बाद रुकना। देखो आपको पता है बच्चों कि मैंने आपको बताया अगर नीचे जितने जीरो होते हैं ना उतने अंक ऊपर जो है, जैसे नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर ना उतने दाई तरफ से, इधर से आप 2 अंक देखो, अब 2 अंक में 1 ही है, ठीक है? यस, 1 ही है। अब यहाँ पर आप लिखोगे 1 और 0, अब 2 अंक बन गए, यहाँ लगाओगे पॉइंट दशमलव, ठीक है? तो कितना बना, 0.01, तो 2 अंक हो गए ना यहाँ से। तो आप कहां से देखते हो बेटा, इधर से दाई से बाई तरफ जाते हो, दाई से बाई तरफ जाते हो, ठीक है? अगर मैं यहीं पर लिख देती बेटा 1/1000, तो आप क्या करते, 3 अंक चाहिए, यहाँ तो 1 ही अंक है, तो आप 2 अंक और लगा देते, 3 अंक हो गए यहाँ से दाई से बाई तरफ, अब यहाँ पर दशमलव लगा दिया, ठीक है? ऐसे ही अगर 1/10 होता बेटा तो 1 अंक से पहले, तो 1 ही अंक हो गया, 1.01 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से इस तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका ए जो है वो करेक्ट है। तो मैक्सिमम बच्चों ने बेटा जो आंसर किया था ए, वो बिल्कुल करेक्ट था। कि अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्योंकि मैंने 2-3 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया था, कई बच्चों ने आंसर किया है गड़बड़, उन्होंने बी लिखा है और सी लिखा है। तो बेटा सी तो तब होगा ना जब वो अगर नीचे 3 जीरोज होंगी। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो यस और नो, यस और नो। चैट सेक्शन में सभी का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से यस और नो बेटा। वाई लिख दो, यस मैम पूरा भी नहीं लिखोगे चलेगा, बस वाई लिख दोगे चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये गलती से गलत जो होता है ये पेपर में भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? तो ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी हमने देख लिया कि हम कैसे 2 डेसिमल को बदलते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास 2 डेसिमल नंबर है, ठीक है? मतलब दशमलव दिया हुआ है, आपको उनको बदलना है। नंबर अब आपके पास है, मान लो एक भिन्न है आपके पास,
विभिन्न 25/4, ठीक है, भिन्न 25/4 इस भिन्न को आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है, किस में बदलना है बच्चा, दशमलव में। चलो बताओ चैट सेशन में बताओ जरा क्या आएगा आपका बदल के, 25/4 है यानी कि 4 से भाग करोगे 25 को, करो फिर मैं बताती हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा, अपने अपने आंसर लिखना, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी, सब अपने अपने आंसर लिखना, सॉल्व करो जो आपका आंसर है चैट में लिखो। बता दो जरा सभी बच्चे, 4 से भाग करोगे 25 को कितना आएगा, ठीक है, वेरी गुड, मेरे एक बच्चे का आंसर भी आया। बेटा 0 कैसे आ जाएगा, गलत है, गलत है, कैसे 0 आएगा, 6 कैसे आया खाली मैम, अब देखो अभी भी सही नहीं है बेटा, हम सॉल्व कहाँ तक करते हैं, जब तक आपका दशमलव सॉरी जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए, अगर आपके पास एक शेषफल आ गया यानी कि ऊपर आप लगाओगे पॉइंट और नीचे लगाओगे 0, है ना। एक मिनट मैम, ओके मैम, मेरे बहुत सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, सुनील की आईडी से जो बच्चा है, सुनील की आईडी से, बेटा 0 कैसे होगा, अगर आप देखो ना 0 तो तब आएगा ना जब ये वाला नंबर छोटा होता इस वाले नंबर से, है ना, ये तो पहले ही मुझे दिख रहा है ना, ये तो मुझे पहले ही दिख रहा है कि या 4 के पहाड़े में आ जाएगा ये, बिल्कुल सही सोनू की आईडी से, बिल्कुल सही, तो मैंने यहाँ पर देखा बच्चों। मैम यस बच्चा, मैम जो आपने पहले काम करा दोबारा समझा दो वाला, कौन सा बच्चा, जो आपने पहले करा था मैम, अभी ज्वाइन किया मैंने बेटा, मैं दोबारा, वो आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है बेटा, आधे घंटे की क्लास दोबारा थोड़ी ना मैं दे पाऊंगी, आप ऐसा करना मैम, ग्रुप में नहीं जुड़ी थी मैम, ग्रुप में नहीं जुड़े थे, अच्छा अभी आप ऐसा करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करना रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आएगी ना फिर मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ बेटा बोलो, देख लो, नहीं बेटा अभी भी कहीं एक तो गड़बड़ है, देखो कहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ ध्यान से देखो, मैम ठीक है, ठीक है, महेंद्र की आईडी से बेटा 20 कैसे शेषफल आ गया आपका, ये ठीक है मैम, आंसर तो ठीक है बेटा, पर करने का प्रोसेस भी तो सही होना चाहिए ना, देखो देखो इधर देखो, सभी बच्चे इधर देखो, मेरे बाकी बच्चे जो आंसर नहीं लिख रहे हैं चैट सेक्शन में, जितने ने भी लिखा है, वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही लिखा है, चलो देखो, 4 के पहाड़े में 25 नहीं आता, लेकिन 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 6 24, तो मैंने यहाँ 6 लिखा, देख लो मेरा भी, यहाँ पर मैंने लिखा 24, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। पहले तो देखो बेटा हम नॉर्मल भाग करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल किसी को भाग करना होता है ना 2 अंकों को, वैसे भाग करा मैंने, तो यहाँ से मेरे पास 1 आ गया, अब मैं यहाँ पर शेषफल 1 आ गया, और मैंने बताया आपको दशमलव हम कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक 0 ना आ जाए शेषफल, तो मैंने क्या किया ऊपर लगा दिया दशमलव और यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता, लेकिन 4 × 8 होता है, तो मैंने यहाँ 8 लिखा, यहाँ से मेरे पास 2 आ गया, फिर अब शेषफल 2 आ गया, तो मैं क्या करूंगी फिर से यहाँ 0 लगाऊंगी, लेकिन यहाँ ऊपर दशमलव नहीं लगाऊंगी, दोबारा 1 ही बार लगाऊंगी दशमलव, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया 0। अब देखो 4 के पहाड़े में 20 आता है, यस पंजे पे आता है, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल गया 0, अब मेरा शेषफल 0 आ गया ना, तो मेरा आंसर क्या हो गया 6.25। क्या मेरे सभी बच्चों को अब समझ आया है कैसे हमने एक भिन्न को दशमलव में बदला है, चलिए बताइए जल्दी से, चैट बना दो वापस बता दो, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा सिंपल है, आपने पहले क्या किया, नॉर्मल 4 के पहाड़े से 25 को भाग किया, तो आपने 4 से 25 को जब भाग करोगे 6 पे जाएगा, 6 × 24 होता है, यहाँ से मेरे पास 1 शेषफल आ गया, ये तो नॉर्मल भाग है जो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, लेकिन मुझे सॉल्व करना दशमलव तक लाने के लिए, मैं यहाँ लिखूंगी दशमलव और यहाँ लिख दूंगी 0। अब 4 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता, लेकिन 4 × 8 होता है, तो मैंने यहाँ 8 लिखा और यहाँ से मेरे पास 2 आ गया, ठीक है, 1 0 और लगाई, फिर 5 लिखा
और यहाँ पर मेरे पास ये कट के जीरो आ गया। तो मैंने क्या बोला, जब तक सॉल्व करते तब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो 6.25 इसका आंसर हुआ। क्या आप समझ आया बेटा? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मुझे बताओ। चलो सभी बच्चे, अगर मान लो मेरे पास है 17/2, ठीक है, 17/2, इसे मुझे दशमलव में बदलना है, बताओ जरा कितना आएगा। इस बिन को दशमलव में बदलना है, बता दो जरा कितना आएगा। चलो चैट सेक्शन में बताना और सभी बच्चे, ठीक है, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे मुझे कितना आएगा सबका। ठीक है, एक बच्चे का आया, देखते हैं सही है आपका या गलत है, और बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं। बेटा मुझे ना सभी बच्चों का आंसर चाहिए। हम एक मिनट कर रहे हैं। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ, चैट सेक्शन में मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। जिन बच्चों को मैंने पहले रिवाइज पढ़ाया हुआ है उनका तो गलत नहीं होना चाहिए, आई थिंक गलत तो वैसे किसी का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी मैं समझा ही रही हूँ। यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो देखते हैं क्या आता है। मैंने लिखा यहाँ पर 17, ठीक है, और लिखा 2, तो 2 के पहाड़े में 17 तो कभी नहीं आएगा, लेकिन 2 8 16 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 16, माइनस किया 17 में से 16, तो मुझे 1 मिल गया। ठीक है अभी देख लो, मैंने यहाँ अब एक शेषफल आ गया, लेकिन मुझे सॉल्व कहाँ तक करना है, जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए, तो मैं यहाँ लिखूंगी दशमलव और यहाँ लिखूंगी 10, जीरो मतलब 10 हो गया, तो 2 5 10 होता है, ठीक है, यहाँ से शेषफल जीरो आ गया। तो कितना आंसर आया बच्चे मेरे पास, 8.5, राइट, 8.5, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से एक क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपके पास है 15/6, ठीक है, 6 से भाग करना है 15 को और दशमलव में बदलना है और बताना है क्या आंसर आएगा आपका, और पोल में देना है आंसर बच्चे, ठीक है, कहाँ आंसर करना है आपको, पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। छे से भाग दोगे 15 को, पहले नॉर्मल जो भाग करते हैं वैसे भाग कर लो, जब शेषफल आ जाए कुछ तो फिर ऊपर दशमलव लगा दो, नीचे जीरो लगा दो और आगे फिर सॉल्व करने लग जाओ। वेरी गुड, हमें समझ में आ गया। हाँ बेटा हमें समझ में आ गया, पहले हमें समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया है वेरी गुड, जो बच्चे मेरे कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में, सबको पता है मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जल्दबाजी की रेस नहीं है, है ना, आराम से कॉपी में करो और फिर पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है सभी बच्चे आंसर कीजिए। मैम हमें तो सही समझ में आ गया अब। वेरी गुड बेटा, आ गया है तो अच्छी बात है। चलो बाकी बच्चे भी मेरे आंसर कर दो, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, बेटा जल्दी जल्दी कीजिए। मुझे पहले समझ में आ जाता अगर 9 तारीख को मैं ज्वाइन कर लेती तो। अच्छा चलो अच्छी बात है बच्चे। चलो अभी 6 से भाग करना है आपको 15 को, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा मेरा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों, ठीक है,
देखो आप सभी को पता है नॉर्मल जैसे हम पहले 6 से 15 को भाग करते हैं वो कर लेते हैं, 6 कम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 3 18 होता है तो वो तो जाएगा नहीं, तो 6 दूनी 12 पे गया, ठीक है, यहाँ से मेरे पास 3 आ गया, ठीक है, अब मेरे पास 3 आ गया, लेकिन मुझे सॉल्व कहाँ तक करना है, मुझे शेषफल 0 लाना है, तो मैं ऊपर लगाऊंगी दशमलव, यहाँ लगाऊंगी बेटा 0, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर लिखूंगी 6 5 कितना बेटा, बिल्कुल सही है, प्लीज बेटा बीच बीच में मत बोलो, मैं बात करूंगी, अगर बात करनी है ना हम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, महेंद्र की आईडी से है, रामपाल की आईडी से जो बच्चा है, बिल्कुल सही है, यहाँ से मेरे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, मतलब कौन सा आंसर ठीक हुआ, 2.5 का, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा वो करेक्ट है, तो जितने बच्चों ने डी ऑप्शन किया था ना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और एक दो बच्चों ने ना फिर भी गलत कर दिया था, तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, पहले हम ना नॉर्मल भाग करते हैं, जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं ना वैसे, उसके बाद दशमलव स्टार्ट करते हैं जब हमारा शेषफल आ जाता है, और पहले ही दशमलव तब आता है जब जिससे हम भाग कर रहे हैं ना वो संख्या बड़ी हो, जैसे मैं 1/4 लिख दूं तो 1/4 के पहाड़े में तो एक कभी आएगा ही नहीं ना, तो वहां पर हम दशमलव पहले लगाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखा करो, ठीक है, तो मेरे कुछ बच्चों ने ना 0.25 लिख दिया था, तो उसमें वो कब होता है, वो पहले दशमलव तब आता है जब आपका अंदर वाली संख्या छोटी होती है बाहर वाली संख्या से, क्योंकि वो तो उसके पहाड़े में कभी आएगी ही नहीं, है ना, वो तो कभी आएगी ही नहीं, यस, चलो एक क्वेश्चन का फिर मुझे सभी बच्चे और आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन और पूछूंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको 11/1000 है, इसको दशमलव में लिखना है, आपको पता है नीचे जितनी जीरोस होते हैं ऊपर उतनी संख्या से पहले दाई से बाई तरफ आपका दशमलव लगता है, चलो ऑप्शंस गिवन है, ध्यान से पहले ही ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर ये मत करना मैम गलती से गलत हो गया, नहीं पहले अपने कॉपी में कर लो फिर ऑप्शन ढूंढो कौन सा है जो आपका आंसर आया था, फिर पोल में करना, वेरी गुड, नवीन कुमार की आईडी से बेटा आपने हैंड रेस किया था, कुछ क्वेश्चन है क्या, डाउट है आपका, चलिए सभी बच्चे ना मेरे को सभी का आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, पहले कॉपी में कर लो, 11/1000 है, इसको आप दशमलव में बदलोगे तो क्या आएगा, उसके बाद ऑप्शन में ढूंढो, ठीक है, फिर पोल में जाके आंसर कर दो, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, अच्छा म्यूट कर लीजिए सिमरन की आईडी से, बेटा आप अनम्यूट हो गए हो, म्यूट रखो, मैम हो गया, वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, वेरी गुड, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके, 11/1000 है, इसे दशमलव में लिखना है, वेरी गुड, ध्यान से बेटा ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में, हाँ बेटा क्या कह रहे हो गया, अच्छा वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, मेरे सभी बच्चे कर देंगे बाकी भी, सही गलत बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है बच्चों आंसर कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, वेरी गुड, चलो अभी 5 सेकेंड और दे देती हूँ, ठीक है 5 सेकेंड और, 5 4
तीन दो एक जीरो। चलिए पोल को करते हैं बच्चा बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि नीचे कितने जीरो होनी चाहिए, होती है तीन जीरो हैं, तो यानी कि ऊपर तीन अंक से पहले आएगा दशमलव। यहाँ तो दो ही अंक है तो मैं यहाँ लिखूंगी एक जीरो और, अब दशमलव लगा दूंगी, तीन अंक से पहले दशमलव लगा दिया तो जीरो दशमलव जीरो एक एक। तो कितना आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी आपका। जितने भी बच्चों ने ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल है बेटा, दोबारा समझा, दोबारा से बता दू। देखो ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो बच्चों, हमेशा ना नीचे जितनी जीरो होती हैं ऊपर उतने दशमलव से उतने अंकों से पहले दशमलव लगता है। तो मैंने देखा ऊपर कितने अंक है, ऊपर दो ही अंक है, नीचे तो तीन जीरो है, तो मेरे को तीन अंकों से पहले लगाना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास दो ही अंक है तो मैं यहाँ एक जीरो और लगा दूंगी, अब तीन अंक बन गए तो मैं यहाँ पर अब दशमलव लगा दूंगी। तो दशमलव से अगर पहले कुछ अंक नहीं होता तो आपको पता है जीरो लग जाता है, तो जीरो दशमलव जीरो एक एक आपने आंसर लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे ग्यारह बटे बेटा सौ होता तो यानी कि क्या होता है, दो अंकों से पहले दशमलव, तो ऊपर तो दो ही अंक है ना पहले से ही, तो मैं उनसे ही पहले दशमलव लगा देती, तो जीरो दशमलव ग्यारह हो जाता एक एक। अब समझ आया क्या, मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो बता दो सेक्शन में, चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे बता दीजिए। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने ही बच्चों ने लिखा था बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाग करके सॉल्व कर दूं, अच्छा अगर आप भाग करके सॉल्व करोगे ना बेटा तब भी वही आएगा। देखो आपने यहाँ लिखा 11, अब 11 तो कभी आएगा नहीं है ना, 11 तो कभी नहीं आएगा है ना, कभी भी हजार के टेबल में 11 नहीं आएगा, तो मैं ऊपर लगा दूंगी दशमलव, ठीक है, और नीचे लगाया एक जीरो। 110 भी कभी भी हजार के टेबल में नहीं आएगा, आप एक दशमलव के बाद एक ही जीरो लगा सकते हो ना, तो मैंने वो जीरो लगा दी लेकिन वो भी छोटा पड़ रहा है तो मैंने एक जीरो और लगा दी, ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा दी, अब कितना हो गया 11000 हो गया। अब 1000 के टेबल में 11000 कभी आता है क्या, आप देख लो 1000 के पहाड़े में आप 11 से गुना करोगे 11000 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 11 लिख दिया और यहां से हमने लिख दिया 11, जीरो आ गया, आंसर माइनस किया आंसर हो गया 0.011, ठीक है। बट ठीक है, बट मैं कोशिश आप ये करो कि अगर आपके पास नीचे बेटा सिंपली जीरो के नंबर हो ना 10, 100, 1000, तो नीचे की जीरो देखो कितने और ऊपर उतने अंकों से पहले जीरो लगा दो, सिंपल, भाग करना ही क्यों, सिंपल प्रोसेस अपनाओ ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अभी देख लेते हैं जैसे हमने दशमलव देख लिया होता क्या है, कैसे हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, ऐसे अब हम देख लेते हैं दो दशमलव यानी कि दशमलव को हम जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। दो दशमलव को जोड़ना बहुत इजी है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक दशमलव है 17.45, ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है 11.37, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, मैंने हमेशा आपको बताया है पहले वाला दशमलव वाली संख्या लिख लो और दशमलव के नीचे, ठीक है, अभी आपने दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, अब दशमलव के इस तरफ 11 है तो मैंने यहाँ 11 लिख दिया, दशमलव के उस तरफ 37 है तो मैंने 37 लिख दिया, अब जोड़ दो, जोड़ना तो सबको नॉर्मल है, आता है ना, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, 1 हासिल लगा दिया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और फिर 7 और 1 8 और 1 और 1 2, तो 28.82 हमारा आंसर हो गया। क्या इसमें किसी बच्चे को मेरे दिक्कत है? नो मैम, चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे बता दो, एक बार चैट में है ना, एक बार फिर से समझा दो, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन से लेते हैं और निकालते हैं। मान लो बच्चा मेरे पास एक क्वेश्चन है
9.236 इसमें मुझे जोड़ना है 10.237। चलो जोड़ो और बताओ क्या आएगा। सभी बच्चे बताओ जरा चैट सेक्शन में, बताओ जरा आंसर क्या आएगा। और बाकी जिनको नहीं आया भी बताती हूँ मैं, बाकी बच्चों को आंसर आने दो फिर बताती हूँ क्या करेंगे आप। नौ दशमलव दो तीन छः है ना, और इसको जोड़ना है 10.237 के अंदर। देखो बच्चों मैंने ना पहले वाला लिख लिया वैसे ही, ठीक है, और दशमलव के नीचे ना पहले ही दशमलव लगा लो, ठीक है, आपने लगा लिया। अब देखो दशमलव के बाई तरफ कौन से नंबर है, 10 है, तो मैंने 10 बाई तरफ 10 लिख दिया, और दशमलव के दाई तरफ क्या है 237 है, तो वही लिख दिया। अब नॉर्मली जोड़ते जैसे है ना वैसे ही जोड़ दो, ठीक है, नॉर्मल जोड़ना तो आता है। 7 और 6 कितना होता है 13, 3 लगाया हासिल 1, ठीक है, और यहां से 7 आ गया 4, 9, 1, तो 19.473 बिल्कुल सही है। रामपाल की आईडी से बच्चे बिल्कुल सही है क्या। अब मेरे सभी बच्चों को ये जोड़ना समझ आया है? देखो मैम। हाँ बेटा देख लिया बिल्कुल। Yes, चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए किसी को डाउट है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले कि जैसे हमने जोड़ना सीखा था वैसे ही हम घटाते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास 29.258 है, इसमें से घटाना है 10.237, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, सिंपल जैसे जोड़ने में मैंने लिखा था वैसे दशमलव के नीचे दशमलव, दाई तरफ 10 है 10 लिख दिया, बाई तरफ 237 है लिख दिया, और घटा दो। नॉर्मल घटाना है जैसे घटा 9 में से 7 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 0 गए 9, 2 में से 1 गया 1, तो 9 और 7 कितना होगा बेटा, 9 और 7 16 होता है, एक मिनट, 9 में से 7 गए, अच्छा 2 ही तो आएगा बेटा, 1 कैसे आ जाएगा, अच्छा 8 है, ठीक है, हाँ बेटा 8 है, मेरी गलती है, सॉरी, हाँ तो 2, 5, 8 था, मैंने 9 लिख दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा, 19.021 आपका आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में दो, सॉरी पोल के अंदर दो, चलो पोल में आंसर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास 12.78, इसको जोड़ना है 13.59 में, ठीक है, जोड़ना है आपको। चलिए पहले जोड़िए और उसके बाद पोल में आंसर कीजिए, जोड़िए और पोल में आंसर कीजिए। 12.78 में जोड़ना है आपको 13.59। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ पहले आराम से कॉपी में कर लो, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, फिर दाई तरफ वाले जो अंक है दाई तरफ, बाई तरफ वाले लिखे हैं वैसे, और फिर जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो। मैम कॉपी वाला दिखाएं? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, जब पोल बंद करके मैं चैट ऑन करूंगी ना तब, वरना तो बच्चे कॉपी कर लेंगे ना। वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए मुझे, 12.78 में जोड़ना है 13.5। बेटा प्लीज मैम कर दिया, म्यूट कीजिए, म्यूट, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा, म्यूट रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरे सभी बच्चों से म्यूट रखिए, अदरवाइज बहुत नॉइज हो जाएगी क्लास में। मैम हो गया, हाँ वेरी गुड बेटा, जितने का हो गया वेरी गुड, हो गया वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी सारे बच्चे रुकी हुई हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे। 12.78 में जोड़ना है 13.59।
मैम। हाँ जी बच्चे, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सभी बच्चों को विजिबल है ना स्क्रीन? आपके बाद ठीक है, पहले तो ना म्यूट रखो राजपाल सैनी की आईडी से। तो बच्चा बेटा म्यूट रखो, क्लास में इतना नॉइस रहेगा तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगी, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना बच्चे। एक मिनट दीजिए बच्चे, एक मिनट सेकंड के लिए मैं स्क्रीन जाएगी, एक सेकंड के लिए। यस, अब देखो अब आ जाएगी, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी भी काफी बच्चे मेरे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। 12.78 में जोड़ा है 13.59, कर दीजिए सभी बच्चे आंसर। आपकी फोटो नहीं दिख रही है मैं। मेरी फोटो नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अब तक मेरी फोटो नहीं दिख रही है, मे भी हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। स्क्रीन दिख रही है और आवाज आई ना बेटा? यस मैम। चलो कोई बात दिख रही। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, जो बच्चा मेरा रुका हुआ है जल्दी से। कट कट के आ रही है बेटा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आपकी साइड से मुझे लग रहा है। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बच्चों मेरे इसमें मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। तो देखो 12.78 पहला आपने लिख लिया, दूसरा आपने दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, फिर देखा यहाँ पर दाई बाई तरफ 13 है तो आपने यहाँ 13 लिखा। इधर आपके पास कितना है? ठीक है, यहाँ पर आपने 5 9 लिख दिया। यस, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल सा ऐड करना है ना। 8 और 9 कितना होता है? 8 और 9 17। 8 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव 6 और 2 है ना, तो 26.37 आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरा बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सबने सही किया है, किसी की भी कोई गलती नहीं थी। मैम मैम आवाज आ रही है आपकी? मैम हाँ बच्चा बोलो। हमने पोल सेक्शन में लिख लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है बच्चे। हाँ सो ठीक है, आज के लिए फिर बेटा हम इतना ही रखेंगे। अगर सभी को समझ आ गया, अभी आपके डाउट्स ले लेते हैं एंड होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड।